तो मेरे बेटे ने आई थिंक विद इन 15-20 days में ही, वो भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ, अपने आप उस फोन उसका छूटने लगा, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में आने लगा, एक अलग ही डिसिप्लिन सेंस में वो आने लग गया, बातें मानने लगा, पर वो पढ़ाई में कंसंट्रेशन थोड़ा सा उसका और इन्वॉल्व हो गया। और अगर आप कोई फोन देखता भी अगर है ना मैम, तो यू वुड नॉट बिलीव ही वुड वॉच द चैनल्स जिसमें उसको नॉलेज मिले। पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, सपोर्ट बहुत मिलने लग गया मुझे। ड्रास्टिक चेंज, 360 degree रिवर्स चेंज, वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी वेरी हैप्पी। उनका मैम ऐसा आ गया था, डिवोर्स तक बात चली गई थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे, ईगो क्लैशेस हो गई थी, वो रेमेडी बताई एंड नाउ दे आर स्टेइंग टुगेदर और बहुत प्यार से हैं। रिश्ता आते आते कट जा रहा था, ठीक है, उनकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे थे, तो लड़के आते हैं, बात होती है, मीटिंग होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बट वो लड़का गायब हो जाता है। अभी एक से बात चल रही है उस लड़के की, वो कंटिन्यूटी अभी चल रही है, फिर अभी ये कंटिन्यूटी अभी है नहीं का, बस पॉजिटिव अप्रोच रखो एंड इफ इट इज मेंट टू बी इट विल मेंट टू बी, एटलीस्ट बी हैप्पी दैट वो गया नहीं। हेलो एवरीवन, वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच है मिस रितिका पांडे, जो कि आज अपनी वास्तु संजीवनी की जर्नी को हम सबके साथ शेयर करने के लिए आए। तो आइए सुनते हैं रितिका का वास्तु संजीवनी का एक्सपीरियंस क्या है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम द अचीवर्स हम उनके मुंह से सुने कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस था, किस तरह के उनके अचीवमेंट्स थे, क्या सक्सेस स्टोरीज हैं। आज हम इस प्रोग्राम में रितिका पांडे का स्वागत करते हैं। तो रितिका, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मैम। आई एम रितिका पांडे and I'm a homemaker, a teacher and now an achiever of Vastu Sanjeevani master course. And I'm very grateful to you, ma'am, that you have prepared such a wonderful course for everyone who is attached to this. Because I remember when I joined Vastu Sanjeevani master course as a Vastu consultant, jab maine joined kiya, to ek alag mindset tha, lagta tha ki बस आओ और कुछ पता चल जाएगा और हम लोग बन जाएंगे। बट देन यू मेड श्योर एंड यू गाइडेड सो वेल दैट जैसे एक छोटे बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग आए थे एकदम चंचल दिमाग से, लगा एक सुपर एक्साइटेड मोड में थे, बट यू मेड अस सो काम कंपोज्ड। और सीखने के लिए क्या जरूरी है, एक पॉजिटिव अप्रोच और धीरे धीरे एक एक चीज पे फोकस करना और उसको अंडरस्टैंड करना, एंड देन जब तक वो चीज आए नहीं तब तक उसको उसके बारे में उसके पहले ही हम लोग पहले कर लेते थे कि सुपर एक्साइटमेंट में कि अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट देन यू मेड अस श्योर कि एक बच्चों को जैसे सिखाते थे कि नहीं बच्चे रुको पहले ऐसे करो फिर वैसे करो फिर ऐसे करो, सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। एंड सबसे अच्छी चीज ये थी मैम जो मुझे मैंने एक्सपीरियंस करी, लाइक आपका इंटेंशन एंड द पॉजिटिव अप्रोच कि सारे बच्चे सीखे, एवरीवन शुड गेट द रिजल्ट, एवरीवन शुड लर्न एवरीथिंग, एक एक पॉइंट एक एक चीज। एंड सबसे अच्छा जो पावर सेशन मैम आप जो करते हो, जो पावर सेशन आप करते हो जिसमें हमें आउटर वर्ल्ड का इतना आप नॉलेज देते हो, इतना मोटिवेट करते हो, लाइक पता है जब पावर सेशन खत्म होता है तो हम लोग और पावर पैक्ड होके निकलते हैं बाहर वो एक घंटे की कुछ एनर्जी जो मिलती है वो मतलब माइंड में मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी ऐसा कुछ कभी होता होगा, क्योंकि आप हद से ज्यादा देते हो मतलब ट्रू गिवर लाइक अ टीचर हो ना, कि मुझे जितना पता है मैं सबको मतलब एक जो ट्रू टीचर होते हैं लाइक जो अब शायद ही मिलते होंगे इस दुनिया में ऐसा लगता था, बट यू हैव दैट ऑल क्वालिटी जैसे पुराने जमाने में द्रोणाचार्य होते थे ना, no, without taking anything, without taking anything, without any intention ki ek kuch koi business purpose type ka hi laga hi nahi ki kisi ke sath koi business kar raha hai, it was like ki koi gyan baat raha hai aur itna baat raha hai ki wo thakta hi nahi hai wo insaan, matlab aur kya de de। to mujhe lagta hai jo blessed hai
वही जुड़ते हैं आपसे, जो भगवान ने डिसाइड करके है ना, भगवान ही भेजता है ऐसे लोगों से मिलाता है मुझे। तो मैं गूज़बम्प्स हो रहा है, मुझे एक्चुअली गूज़बम्प्स हो रहे हैं। एंड जब मैंने ज्वाइन किया था और मैं सारे जो जितने लोग भी देख रहे, जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोग कहते थे ऑनलाइन कैसे करते, ऑनलाइन में क्या होगा, ऑनलाइन में क्या होगा। बट मैं भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे सीखना था, सुपर एक्साइटेड थी, मुझे किसी चीज की कोई अफेक्ट नहीं करा मुझे। मैं भी, मुझे लगता है कि जितने लोग ज्वाइन करते होंगे उतने लोगों को लोग कहते होंगे कि ऑनलाइन में क्या होता है। बट आई थिंक ये आपका पॉजिटिव कुछ है कि लोग एक बार आते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं, फिर वो देयर इज नो वे, क्योंकि इतना वन टू वन कनेक्शन है। इवन इन द वीडियोस इट सीम्स लाइक यू आर एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू आर टॉकिंग एंड स्क्रीनिंग। Wonderful experience. और जिसके लोग भी देख रहे हैं, I would suggest कि you should come, you should join, क्योंकि online में जितनी help है वो offline में नहीं है। क्योंकि मैम मैं दो बार तीन बार videos देखती हूँ, तो जितनी बार videos देखती हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया चीज मिलता है। और प्लस मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे हम लोग स्कूल्स में टीचर्स जब लेक्चर देती होती है तो हाफ चीजें हम लोग सुनते हैं, ये तो याद रहेगी। जो ऑडियो है वो इतना हेल्प करता है। मैम कितनी बार हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्या गड़बड़ करी हूँ, फिर जब वापस वीडियो देखते मैंने कहा ये तो मैंने मिस ही कर दिया, माइंड से मिस कर गया या स्लिप हो गया। तो रितिका आपने तो पहले ही सारा कुछ अपनी जर्नी शेयर कर दी जो कि हम आपसे पूछने वाले थे, तो इतनी खुशी है मुझे इतनी खुशी है कि मेरे को बस मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है। बिल्कुल। तो पहले ये बताइए कि वास्तु संजीवनी ज्वाइन करने से पहले आप वास्तु के बारे में कितना जानते थे, क्या ओपिनियन थी, किस तरह से वास्तु के बारे में आपको पता लगा? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, वास्तु के बारे में पता तो बहुत चलता था कि ये कर दो तो वो हो जाएगा, वो कर दो तो वो हो जाएगा, बट एक कभी बिलीव टाइप का मुझे नहीं होता था। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं थी पर्सन पहले, ठीक है, बट देन जब स्पिरिचुअलिटी में आई, मैं धीरे 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 थोड़ा सा माइंड स्टेबल हुआ, मन स्टेबल हुआ, फिर चीजों पे बिलीव होने लगा कि यू नो भगवान है, पावर है, कुछ है। फिर आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माई हस्बैंड, जो उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे इसका। वी वर जस्ट सिटिंग एंड हैविंग अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग एंड ऐसे पेपर पढ़े थे एंड कुछ वास्तु का कुछ उसमें आया, समथिंग कुछ ऐड था या क्या था, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो फॉर वास्तु। आई सेड या आई कैन ट्राई, तो कहते कि तुम इतना करती हो पूजा वूजे में घुस गई हो तो एक बार वास्तु ट्राई करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है करती हूँ। तो वहां हमारे चाय का कप खत्म हुआ और इधर मैंने आपसे कनेक्टिविटी की और वो हो गया। अब वो हो गया तो एक्साइटमेंट तो बहुत ही कुछ नया सीखने की, क्योंकि कुछ बहुत दिनों के बाद कुछ नया सीख रही थी लाइफ में। तो जब वो हुआ तो सुपर एक्साइटेड लाइक अ बच्चा कि अरे बस ये तो चुटकी बजाऊंगी और ये सब चीज हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। बट देन यू गाइडेड सो वेल कि अब एक एक चीज पे मैंने एक एक महीना दे के उस चीज को लर्न किया और समझा और एक्सपेरिमेंट किया। दैट इज व्हाई आई टुक माय ओन टाइम कि नहीं सच में अगर कुछ सीखना है तो जड़ में जाना बहुत जरूरी है, ऊपर ऊपर करके कोई फायदा। ये आपने ही एक स्टोरी सुनाई थी पावर सेशन में, आपने एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी मुझे बहुत इफेक्ट किया कि नहीं मैम सच कह रही है। तो वो चीज फॉलो किया, जब वो फॉलो करने लगी तो लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे मैम, ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे या और पॉजिटिव अप्रोच बहुत हो गया मेरा। इनफैक्ट ऐसा कि अब मुझे, मैं जल्दी कुछ नेगेटिविटी लेती ही नहीं, जल्दी से कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती नेगेटिव। हर चीज में मुझे लगता है कि नहीं अच्छा ही होगा कुछ, इसको कर देते हैं ठीक कर देते हो जाएगा, अच्छा ही होगा कुछ। तो मैंने अपने लाइफ में This was a transformation you observed in yourself. Yes, yes, okay. A big transformation. And I didn't know that my husband and you would be the one person to change my life in such a way that मेरे अंदर जितनी भी negativity थी सब चीज ऐसे करके बाहर निकल गई ना। और meditation,
That was like भगवान जी का मंत्र फॉर मी. That was like a भगवान जी का मंत्र फॉर मी. वो विजुअलाइजेशन जो मेडिटेशन आपने बताया उससे मेरे आसपास के लोगों में इतना चेंजेस, मेरे हस्बैंड में इतना चेंजेस, मेरे सारे काम होने लग गए. ऐसे नहीं होते भगवान आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है तो नाउ आई विजुअलाइज यू. काम हो रहा है और वो भगवान ने ही जरिया, भगवान कहते हैं ना धरती पे नहीं आते किसी को भेजते हैं, तो इट वॉज यू मैम. एंड ये दिल से है जो भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो, एनर्जीज के फील्ड में आते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिविटी रह जाती है आपके अंदर, वो सब चली जाती है. तो बहुत अच्छा फीलिंग है और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. यस मैम. अच्छा, दैट्स वंडरफुल शेयरिंग. और तो अब ये मैं जानना चाहूंगी कि ये तो था आपका कोर्स की जर्नी, कैसे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया कोर्स के दौरान, आप क्या अचीव किया, व्हाई आर यू हियर टुडे, वासु संजीवनी अचीवर कैसे हो गए आप, क्या अचीव किया, क्या बेनिफिट्स हुए आपको, अगर आप उसको शेयर करें तो बहुत yes. अच्छा रहेगा. अचीव तो मैं मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, इन माय लाइफ, चीजें देखने का नजरिया, और वास्तु के अलावा आपका जो स्पिरिचुअल गाइडेंस, मेडिटेशन और जितनी भी चीजें आपने सिखाई है, अपार्ट फ्रॉम वास्तु जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करे और हमारा वास्तु और अच्छा हो, उस अप्रोच से, उस थॉट प्रोसेस से, वो कॉन्फिडेंस बढ़ना हमारे अंदर कि यू नो हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोगों की भी हेल्प होगी, हमारी खुद सबसे ज्यादा हम खुद की मदद करवा रहे हैं. मुझे लगता है बहुत ऐसी लेडीज होंगी जो वेट करती होंगी कि कोई आए और यू नो जिंदगी बदल दे हमारी. तो जो भी देख रही है प्लीज आओ और ज्वाइन करो. दिस इज द यू नो मीडियम एंड दिस इज द पाथ. सो अचीवमेंट यही है मैम कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ. I'm a completely different person now. It's all because of the energy which you have given and the course which you have given, the guidance which you have given, the blessings which you have given, everything, everything, and the strictness which you have followed. कि जो तरीका है वही तरीका है सीखने का. No if, no but. ये है तो ये है. तो वो जब जहन में आपकी एक एक चीजें ना मैम रगों में दौड़ती, कुछ भी करती ना, मैम ने ना ऐसे बोला था तो ये तो करना ही है, मैम ने ऐसे बोला था तो ये फॉलो करना ही है. तो इट इज ऑल, आपने जब बोला था ना कि जुनून ऐसा होना चाहिए कि रगों में दौड़ना है, वास्तु ग्रेजुअली आया धीरे धीरे, जैसे जैसे डीप अपना मैं अपना लगाती गई अपना मन और एक एक जोन पे जब मैं काम करती गई वो डेवलप होते गया. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोर्स करने से पहले आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और किन चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आया, कुछ अगर स्पेसिफिक आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा व्यूअर्स के लिए भी. यस मैम. और सबसे आजकल मम्मी लोग का जो टेंशन होती है बच्चे मोबाइल पे, ठीक है, अब बड़े बड़े हो रहे हैं, 12-13 के एज में आ रहे हैं, तो कुछ भी बोलो तो सुनना नहीं है और दे थिंक दैट दे आर राइट ना, सब कुछ ऐसा होता. तो अब मेरे साथ ये हो रहा था कि जब बच्चे ग्रो होते तो उनको डांटना इज नॉट द रीजन, उनको पनिशमेंट देना इज नॉट द रीजन. सो जब वास्तु करने लगी तो जब आपका ये मैंने फॉलो किया कुछ जोन कुछ शिफ्ट करके कुछ फॉलो करके जब ये करने लगी तो मेरे बेटे ने आई थिंक विद इन 15-20 डेज में ही, अभी मैं शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ, अपने आप उस फोन उसका छूटने लगा, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में आने लगा. अब म्यूजिक में जो बच्चे आ जाते हैं तो वो एक अलग लेवल का आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, आप एक थोड़ा शांत हो जाते हो कहीं पे, आप एक घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो रहा है. तो जब वो आने लगा तो उसका फोन छूटते गया तो एक अलग ही डिसिप्लिन सेंस में वो आने लग गया, बातें मानने लगा, एक बार बोल दो तो कभी कुछ नहीं कि मामा क्यों बोलते रहते हो, नेवर, वो सिर्फ सारी चीजें चली गई. okay. तो ये बहुत पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज मैंने फील किया जो एक ग्रोइंग बच्चे होते हैं.
ग्रोइंग बच्चों को आप छोटे बच्चे की तरह डांट नहीं सकते और ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा नहीं कर सकते थे हम लोग. सो दिस वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन माई सन. तो नेचर में चेंज आना, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा उसका और इन्वॉल्व हो गया, खुद से प्रोजेक्ट बनाने लग गया. अपनी तो मेरे पीछे पड़ता रहता था मम्मा ये कर दो. म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आ गया उसे. और अगर आप कोई फोन देखता भी अगर है ना मैम तो यू वुड नॉट बिलीव ही वुड वॉच द चैनल्स जिसमें उसको नॉलेज मिले. इट्स ऑल बिकॉज मैंने जोन को कुछ इधर उधर किया, शिफ्टिंग विफ्टिंग की एंड रिजल्ट आ गए. एंड सेकेंड जो मैंने किया वो मेरी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए. सपोर्ट बहुत मिलने लग गया मुझे. मेरे काम बहुत आसानी से, जो पहले रुक रुक के होते थे या फिर होते ही नहीं थे, कभी कभी पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, बट वो होने लग गए. तो इट हैज डन ड्रास्टिक चेंज मैम. एक होता है ना ड्रास्टिक चेंज, 360 डिग्री रिवर्स चेंज. ऐसा भी नहीं कि पहले 120 डिग्री हुआ फिर 60 डिग्री हुआ, वो सीधा 360 डिग्री चेंज हुआ है. एंड सबसे अच्छी बात मुझे आपकी याद रहती है कि कुछ भी कर रहे हो आप उसमें अप्रोच बहुत मैटर करती है कि आपका अप्रोच कैसा है. मेरे साथ मैंने अच्छी चीज है ये कि मैं उस जोन को उसका मतलब उस चीज को जो भी मैं करती थी उसको अपना टाइम दिया कि अपना टाइम लो और मुझे बेनिफिट दो. और वो हुआ मैम और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी वेरी. ओके तो फिर ये तो हुआ आपकी लाइफ में चेंज आया. ठीक है, इसके अलावा किसी और का अगर आपने वास्तु किया हो, उनको हेल्प किया हो नियर एंड डियर वंस का, अगर उनके कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें बिकॉज यू आर प्रोफेशनल एक्सपर्ट नाउ. यस मैम, आई वुड नॉट बिलीव दैट आई डिड ट्राई टू हेल्प सम पीपल एंड उन लोगों को जो लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये भी चीज होती है क्या, ऐसे करते हैं ये तो घर तोड़वा देंगे या फिर ये फोड़ो फोड़ो या तो वो करो ऐसे, ये सब चीज नहीं होता है. जब उनको बताया गया कि तोड़ना फोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन ऑलवेज, कुछ एक चीज में वर्स्ट सिचुएशन में होती है. तो अभी एक मैरिड कपल थे, उनका बहुत अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आई एडवाइज देम. सो क्या चल रही थी उनका मैम, ऐसा आ गया था डिवोर्स तक बात चली गई थी, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे. ईगो क्लैशेस हो गई थी. सो अगेन वो वास्तु का ही प्रॉब्लम था. वो एक जोन स्पेसिफिक जोन, देयर वाज टू स्पेसिफिक थिंग जो वहां पे कर रहे थे. सो दे वर ऑन द रेंटेड अपार्टमेंट, उनको रेमेडी बताई एंड नाउ दे आर स्टेइंग टुगेदर और बहुत प्यार से हैं. The best part was that they started believing, उनकी family, उनके relatives, वो बिलीव करने लगे कि zones कितना affect करते हैं हमारी life में. वास्तु कितना important है. Exactly, वास्तु कितना affect करता है कि आप हर एक zone कितना affect करता है, हर एक चीज कितनी affect करती है आपकी life में कि आपके मेंटल को वो कर देती है और शांत भी वही करती है. सोल्यूशन भी वही, प्रॉब्लम भी वही, तो सोल्यूशन भी वही. राइट राइट, घर ही हमारी प्रॉब्लम का कारण है और हमारा घर ही हमारी समस्या का निवारण हो जाता है जब हम वास्तु कर देते हैं. और पहले डिफरेंस में बता दूं कि क्या डिफरेंस होता है कि जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु करने से पहले आप एफर्ट तब भी डाल रहे हो अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते. जो हम चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स कई बार नहीं आते, लेकिन जब आप सही तरीके से अलाइन कर लेते हो, बैलेंसिंग कर लेते हो, तो वही एफर्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स देने लगते हैं. जैसा हम चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आने लगते हैं. एफर्ट तो फिर भी डालना पड़ता है, कर्म तो करना ही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो करना ही पड़ना है ये तो. यस, सो दैट्स सो वंडरफुल कि किसी की लाइफ में जो आपने एक रिलेशनशिप को बनाने में उनकी हेल्प की, तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट.
और आजकल ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, ईगो क्लैशेस ये न्यूज कल ही मिली आपको? मतलब ये कल ही मिली? वाओ, इनफैक्ट उन्होंने कॉल किया, फिर एक मेरी फ्रेंड है वो बहुत बिलीव करती है वास्तु वगैरह में, बट उसने वास्तु भी करवाया था अपने घर का, बट उसको सैटिस्फैक्ट्री, उसको आई थिंक उसके दिमाग में कुछ था जो चल रहा था, तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं, मैंने सिर्फ थोड़े एक दो रेमेडी बताई उनको, क्योंकि जो चीज हुआ था मैं उसे छेड़ना नहीं चाहती थी, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी डन। पहले प्रॉब्लम बताइए कि प्रॉब्लम क्या फेस? हाँ, प्रॉब्लम उनको ये आ रही थी कि एक तो उनका रिश्ता आते आते कट जा रहा था, ठीक है, उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो लड़के आते हैं, बात होती है, मीटिंग होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, बट वो लड़का गायब हो जाता है किसी वजह से, पता नहीं क्या उसको अट्रैक्शन होती नहीं है, लाइक फर्स्ट मम्मी पापा भी मिल लेते हैं, दोनों फोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है, और ये एक लड़के के साथ नहीं मैम, कंटिन्यूसली तीन चार लड़कों के साथ हो रहा था। द गर्ल वेंट डाउन इन टू डिप्रेशन कि मुझमें कोई कमी है क्या, मुझमें कोई कमी है, एंड शी इज वेरी एजुकेटेड, वेरी बहुत एजुकेटेड है, पीएचडी वगैरह उसने कर रखा है, मास्टर कोर्स कर रखा है, बहुत एजुकेटेड है, बट देन उसको ये लग रहा था कि कहीं मेरा मुझमें तो कहीं कमी नहीं है, बिकॉज अब उसको लग रहा था मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूं, भी क्या बात करते हो तुम लड़के से जो लड़का चला जाता है, तो वो सब बिगेस्ट इश्यू। तो फिर मैंने उसको छोटी मोटी रेमेडी बताई और उसका मैंने वो देखा, तो जो स्पेसिफिक जोन उसको खराबी कर रहा था मैम, वो दैट वाज द रीजन, सिर्फ वो स्पेसिफिक जोन, तो उस जोन के लिए मैंने सिर्फ रेमेडी बताई कि ये करके देखो, तो मैम वो करके देख उसने देखा, एंड अभी एक से बात चल रही है उस लड़के की, वो कंटिन्यूटी अभी चल रही है, क्योंकि अभी ये कंटिन्यूटी अभी है, मैंने कहा बस पॉजिटिव अप्रोच रखो, एंड इफ इट इज मेंट टू बी इट विल मेंट टू बी, एटलीस्ट बी हैप्पी दैट वो गया नहीं, दो दिन गया नहीं, ये चेंज आया, गया नहीं। ये पॉजिटिव ये सोचो कि देखो जो चीज है वो धीरे धीरे ही काम करती है, इट इज नॉट मैजिक कि आबड़ा का डाबड़ा होगा एंड सम मैजिक विल क्रिएट इट, यू हैव टू गिव टाइम एंड पेशेंस एंड योर बिलीफ। तो शी वाज लाइक, उसका मैसेज भी आया, मैं आपको भेज दूंगी उसका मैसेज। ओके, उसका मैसेज भी आया। वाओ, तो ये तो और एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो आप भी yes, बड़े बड़े काम कर रहे हो। मैम नहीं नहीं, मैं कोई बड़े काम नहीं कर रही हूँ, बस आपकी ब्लेसिंग है मैम, जो आपने सिखाया वो मैं लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लर्निंग और बढ़ा रही हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो बिल्कुल अच्छा हो रहा है। इंटेंशंस अच्छे जब होते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स उनको नहीं आएंगे जहाँ पे इंटेंशंस थोड़े से सो इसके अलावा इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू शेयर, एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस किसी और का? नहीं मैम, अभी तो बस जितना होता है मैं लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, प्लस मैं बस व्यूअर्स को ही बोलना चाहती हूँ कि जितने लोग देख रहे हो आप लोग, प्लीज आप आओ और ये कोर्स ज्वाइन करो इफ यू रियली वांट टू चेंज इन योर लाइफ, और दिस इज द मीडियम, दिस इज द पाथ, एंड यू विल नॉट गेट एनी टीचर लाइक आई हैव डन थ्री अदर कोर्सेस। थैंक यू सो मच। यहाँ जो है वो मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, और मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो इस कोर्स से ही आई है, इस कोर्स से ही आई है। सो जितने लोग भी है प्लीज आप आओ, ज्वाइन करो, एंड आप एक बार आओगे तो वापस नहीं जाओगे जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, और जिंदगी में कभी नहीं छोड़ोगे इनको। ये है मेरा एक्सपीरियंस, और ये मैं यही मैं शेयर करना चाहती हूँ लोगों से कि प्लीज कम एंड यू नो प्लीज ज्वाइन एंड चेंज योरसेल्फ एंड चेंज द पीपल एंड चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू। मैम ये गोल्डन डोर है मेरे लिए। So nice, wonderful sharing and wonderful feedback, and it means a lot, or it
इट फील्स सो नाइस टू हियर दिस ना कि अगर आपका कुछ इनपुट है और उसमें इफ यू आर सैटिस्फाइड जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सैटिस्फाइड है तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. एंड वन मोर थिंग, मैं इतना बोलती भी नहीं थी. Okay. मैं बोलती भी बहुत कम थी. Okay. मैं अंदर में इतना चीज था कि मुझे बोलना है और मैं ये बोलना, मुझे लग रहा है जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता गया मैं एक्सप्रेसिव होती गई और ये बोलती गई और इतना बोल रही हूँ मैं आज इसीलिए क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये जो कॉन्फिडेंस अंदर आया है, ये पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसलिए मैं इतना बोल पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपनी खुशी, अपनी एक्सपीरियंस. अदरवाइज मैं चुपी थी रहती थी अंदर 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 अंदर. दिस इज अ गुड चेंज, दिस इज अ गुड चेंज. है ना, एक्साइटमेंट होना जरूरी है, एक्सप्रेशन आना जरूरी है. और अगर एक्सप्रेशन आता है तो यू नो कि एलिमेंट्स कैसे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं हमारे. वही जो मेडिटेशन आप बताते हो, चक्रास्त मेडिटेशन, सब कुछ मेडिटेशन, इट्स ऑल मैजिकल, इट्स ऑल मैजिकल. एंड वही जब मैंने आपको आई थिंक शेयर भी किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया था तो मेरी आंख से ऐसे आंसू गिर रहे थे. नोबडी हैज एवर आस्क्ड, बहुत लेडीज लोगों को कोई पूछता नहीं होगा कि व्हाट डू यू वांट. कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कैसे क्या लाइफ चाहते हो, कैसे लाइफ जीना चाहते हो. एंड जब वो डिवाइन वॉइस आई और ऐसे लगा कि यू नो हाँ क्या चाहती हूँ मैं, कोई पूछ रहा है, यू नो कोई चेंज करने के लिए आया है, कोई रास्ता दिखा रहा है मुझे. वो एनलाइनमेंट आई मेडिटेशन से. मुझे लगा बहुत लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स होंगी ना मैम. एक मैंने कहीं पे कहावत सुनी थी कि जो देता है वो भगवान से जितना नहीं मांगता है उतना जो ले रहा है आपसे वो आपके लिए इतनी दुआ मांग लेगा और आपको लगेगा कि मैंने तो भगवान से इतना मांगा भी नहीं था, भगवान ने इतना दे दिया. जो हम लोग इतना मांग लेते हैं आपके लिए कि यू नो कि आपको लगता है कि कहाँ से मिल गया मुझे. सो ये चीज है कि हम लोग इतने आपके इतनी दुआएं आपको दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम पॉजिटिविटी हम दे रहे हैं, तो वो भगवान आपको इतना देगा मैम कि आपको लगेगा कि कहाँ कैसे क्यों हो रहा है. सो दिस इज ऑल यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. दिस इज माय गुरुस ग्रेस, दिस इज माय गुरुस ग्रेस चेंजिंग माय लाइफ. एंड आई विल नेवर लीव यू. और वी आर नो वन टू चेंज एनीबॉडीज लाइफ, यू चेंज योरसेल्फ. You change your life yourself. I will never forget this. Thank you so much. So this is... And my husband both, they become the very, very important part in my life to change my life, which I never expected. Maine kabhi expect nahi kiya tha. And thank you so much. So thank you, Ritika, for these kind words, and I'm overwhelmed really. Or thank you so much for taking out your time and sharing your feedback, sharing your experience with all of us. And once again, I'll say it means a lot. Thank you so much. So I am blessed. To the viewers, I'll say if you want to join this online Vasu Sanjeevani course, then you can visit our website www.vasusanjeevani.com. वहाँ पे courses के section में आप ये courses के लिए enroll कर सकते हैं. इसके अलावा parenting webinar में जो कि हम वास्तु का एक mini course ही है, अगर उसके लिए आप enroll करना चाहते हैं, उसको attend करना चाहते हैं, तो वहीं से website से ही आप उसके लिए भी enroll कर सकते हैं. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे लोगों को पता चल सके कि उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन है. अगर उन किसी के मन में है कि सलूशन नहीं है तो ऐसा नहीं है. ईश्वर ने वो चीजें बनाई है, वो साइंस बनाई है, जिससे कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है. जैसे डॉक्टर है हेल्थ इश्यूज के लिए, बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए भी सलूशन है. माइनर चेंजेस एट होम एंड मेजर चेंजेस इन लाइफ यू विल एक्सपीरियंस.
So thank you so much for watching. Once again, thank you, Ritika, and मेरी best wishes आपके साथ हैं. आप professionally इसको करिए, वास्तु को, और लोगों की जिंदगी में वो magic create कीजिए और अपनी life में achiever बने रहिए, अच्छे अच्छे results लीजिए. Thank you so much, ma'am.